आज हमारा टॉपिक है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है उसको अडल्ट्स में जब कंडीशन होता है तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यही वो डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है तो हम इसको रिकेट्स कहते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ दिस रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया इज़ अ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन विच लीड्स टू डैमेज ऑफ द बोन टिश्यूज़। ओके, किसी भी कारणवश अगर बोन जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बोन जो सॉफ्ट होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, पर्टिकुलरली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिसकी वजह से बोन्स सॉफ्ट होते हैं एंड देन दे स्टार्ट्स टू डीजनरेट या दे ब्रेक्स डाउन। ओके, सो दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीडिंग टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। ओके, नाउ व्हाट डज ऑस्टियोमलेशिया डू इन अ बोन? हम इससे पहले इसका नॉर्मल एक बेसिक समझ लेते हैं। ओके, नाउ अगर हम बोन की बात करें तो बोन में आपको ऑलरेडी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, तो जो एपिफाइसिस होता है बोन के लाइक ठीक है, ये अगर एपिफाइसिस है तो यहाँ पे ये प्लेट ग्रो करते रहते हैं, और एक बार ग्रोथ बंद हो जाती है तो यहाँ पे एपिफाइसिल ये क्लोजर हो जाता है, जिसको हम एपिफाइसिल प्लेट बोलते हैं। ओके, सो इससे पहले अगर सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसको हम रिकेट्स बोलेंगे, और एपिफाइसिल प्लेट के बनने के बाद मतलब अडल्ट होने के बाद अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ऑस्टियोमलेशिया। अब यहाँ पे होता क्या है, जो बोन है, बोन में टिश्यू होता है, बोन सेल्स होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं लाइक ये एक सेक्शन ऑफ टिश्यू है मान लीजिए ऑस्टियोब्लास्ट का। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट में कुछ कोलेजन्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं। ये लेयर है इस तरीके से एक मैट्रिक्स की तरह फॉर्म करते हैं ऑस्टियोइड। ओके, नाउ व्हाट डज दिस ऑस्टियोइड डू? ऑस्टियोइड विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट helps the calcium and phosphate from the blood to deposit in this osteoid। ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट होते हैं। तो जो ब्लड में कैल्शियम या फॉस्फोरस आते हैं वो सर्कुलेट करके जब बोन्स के पास आते हैं तो बोन के पास जितना भी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट आता है वो ये एल्कलाइन फॉस्फेट के हेल्प से वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट के इस ऑस्टियोइड मैट्रिक्स में आके क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ के चिपक जाते हैं। ओके, सो दिस वे बोन हैज़ अ वेरी हाई डिपॉजिशन, या बोन इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट, जिसकी वजह से हमारे बोन्स को अच्छी एक टेंसिलिटी, एक अच्छा एक स्ट्रेंथ मिलता है। दिस इज़ दी नॉर्मल थिंग। ओके, अब ये प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑस्टियोमलेशिया में, एक विटामिन डी और एक पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम पीटीएच भी कह सकते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फोकस में, वन इज़ विटामिन डी एंड द सेकेंड वन इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। पहले हम विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी बॉडी में प्रॉपर होने के लिए दो फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट होता है डाइट्री और सेकंड होता है एक्टिव फॉर्म। ओके, डाइट्री फॉर्म का मतलब है कि प्रॉपरली खाने के थ्रू हम विटामिन डी का सोर्सेस लें, ये ज़रूरी है। बहुत छोटा सा अमाउंट, मतलब विटामिन डी का एक प्रपोर्शन हमें सनलाइट से भी मिलता है, वो तो ज़रूरी है ही है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है दैट इज़ डाइट। डाइट के थ्रू विटामिन डी का हमारी बॉडी में इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का इंटेक होना ही काफ़ी नहीं है, विटामिन डी जो हम इंटेक करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है।
ओके विटामिन जो हमने जो भी विटामिन डी के सोर्सेस लिए वो हमने जो लिया वो विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में गया। अब ये जो इनएक्टिव विटामिन डी है ये लिवर की मदद से इट ट्रैवल्स टू लिवर एंड लिवर की मदद से लिवर में एक एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज 25-hydroxylase जिसकी मदद से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी 25-hydroxy विटामिन डी। ठीक है 25-hydroxy विटामिन डी हम बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फीचर्स में नहीं जाएंगे लेकिन इतना समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसी के बेसिस पर बात करेंगे कि सिम्टम्स और मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ओके सो 25-hydroxy विटामिन डी फॉर्म होता है इनएक्टिव फॉर्म से इसमें चेंज हो जाता है। कहाँ पे होता है दिस हैपन्स इन लिवर। ठीक है सो लिवर हैज़ एन एंजाइम कॉल्ड एज 25-hydroxylase विच कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इनटू द 25-hydroxy विटामिन डी फॉर्म। ओके अब ये जो 25-hydroxy विटामिन डी फॉर्म है ये चेंज होगा 1-alpha-hydroxylase जो एंजाइम है विच इज प्रेजेंट इन द किडनी ये वाला फॉर्म विल ट्रैवल टू किडनी विद दी हेल्प ऑफ ब्लड। ओके जब ये किडनी में जाएगा किडनी में ऑलरेडी 1-alpha-hydroxylase प्रेजेंट है जो इस फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं इट चेंजेस इट इनटू 1-25-hydroxy विटामिन डी इसको हम कैल्सिट्रॉल भी कहते हैं। ओके सो आप ज़्यादातर नाम सुनते हैं कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रॉल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी विच इज़ केमिकली 1-25-hydroxy विटामिन डी। ओके सो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में चलता है ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ पता हो। ओके नाउ What does this vitamin D, active form of vitamin D जो है वो क्या करते हैं या ये जो 1-25-oxy-hydroxy विटामिन डी जो है वो क्या करते हैं इट इंक्रीजेस द रीनल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ओके कैल्शियम और फॉस्फेट का रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं मतलब जितना भी कैल्शियम और फॉस्फेट किडनी की तरफ चला भी गया हो ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलस के थ्रू अगर फिल्टर हो भी गया हो तो रीनल ट्यूब्यूल में से वापस उसको फिल्टर करके वापस उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में पहुँचाने का काम कौन करते हैं द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट इज़ द वन बेनिफिट ऑफ विटामिन डी एंड द सेकेंड थिंग इज इट इंक्रीजेस intestinal absorption of this calcium and phosphate. ओके कैल्शियम और फॉस्फेट का इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन को भी क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो जो भी हम कैल्शियम और फॉस्फेट के फॉर्म में ले रहे हैं कैल्शियम और फॉस्फेट को जिस भी फॉर्म में हम ले रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन गट में बढ़ाने का काम भी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का है साथ साथ जो रीनल ट्यूब्यूल में पहुँच चुका है उसके वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का भी काम किसका है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का। ओके ये तो हुई बात विटामिन डी की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कब एक्टिवेट होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब वो एक्टिव होते हैं और ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर वो क्या करते हैं वो बोन में से अब्जॉर्प्शन कराना स्टार्ट कर देते हैं बोन में से निकालना स्टार्ट कर देते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट को। ओके एंड कैल्शियम और फॉस्फेट को निकाल के वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज़ द यूज़ ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब वो ब्लड में ज़्यादा बोन में से कैल्शियम और फॉस्फेट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं बोन में से और ब्लड में डालना स्टार्ट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन तो ये कैल्शियम तो डिपॉजिट रह जाता है लेकिन पैराथायरॉयड ये जो फॉस्फेट है ये किडनी से ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी कारणवश सीरम कैल्शियम लेवल लो है और पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट हो गया है तो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से जो आप दो चीज़ें देखेंगे बॉडी में वो ये है कि इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज्ड
यूरिन फॉस्फेट लेवल, मतलब यूरिन सैंपल लेंगे तो फॉस्फेट लेवल उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा विद दी हेल्प ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, सो ये था नॉर्मल बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। सो ऑस्टियोमलेशिया, अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ऑस्टियोमलेशिया के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में अब बहुत ईजी हो जाएगा, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो एटियोलॉजी बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगी कि वन, अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फेट अगर ठीक से नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस हैं, मैल न्यूट्रिशन जो हम कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन के साथ साथ हो सकता है कि द पर्सन इज़ हैविंग एनी टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज़। इंटेस्टाइनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि प्रॉपरली खाना तो ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी या कैल्शियम या फॉस्फेट हैं, लेकिन वो इंटेस्टाइन क्या है, गट क्या है, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो एनी टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल या गट डिसऑर्डर्स, एनी टाइप ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स, अगर रीनल में प्रॉब्लम होगा तो क्या प्रॉब्लम है रीनल से, कि अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो पहले हम बात करते हैं लिवर के बारे में। अगर कोई हेपेटिक डिसऑर्डर है, लिवर डिसऑर्डर है, तो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज नहीं होगा। किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन जो है, विटामिन डी जो है, वो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी मतलब कैल्सिट्रॉल में चेंज नहीं होगा। तो वन वॉज गट डिसऑर्डर, द सेकेंड वन इज़ रीनल डिसऑर्डर, द थर्ड वन इज़ हेपेटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा चांसेस हैं कि अगर एक्सपोजर नहीं है सनलाइट से तो भी ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी कम हो। ओके, सो एज इज़ अ फैक्टर, न्यूट्रिशन इज़ अ फैक्टर, गट रीनल हेपेटिक डिसऑर्डर्स आर अ फैक्टर, लेस एक्सपोजर टू सनलाइट और यूवी रेडिएशन आर अ फैक्टर। तो ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स। अब अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बोन वीकनेस, बोन्स बिकम फ्रेजाइल, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, वीकनेस, फ्रेजाइल, फ्रैक्चर। इसी के साथ साथ देयर विल बी नमनेस, ठीक है, डिफॉर्मिटी, सॉफ्टनिंग। हम यहाँ पे अडल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हम ऑस्टियोमलेशिया को डील कर रहे हैं। जब आप पीडियाट्रिक सेक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप रिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो रिकेट्स में आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से बच्चों के बोन्स फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, बच्चों की ग्रोथ जो है, जो आप फिज़िकल ग्रोथ देखते हैं वो किस तरीके से रुक जाती है, बोन्स कैसे स्ट्रक्चरली डिफॉर्म हो जाते हैं। ये फंक्शनल डिफॉर्मिटी है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी आ जाता है कि जो बोन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे अगर कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं मिल पा रहा है, विटामिन डी कम है, तो स्ट्रेट ना होने की जगह इट कैन बिकम कर्व्ड एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट डिसऑर्डर्स। ओके, सो यहाँ पे बोन वीकनेस, बोन फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाना बोन कि कभी भी टूट सकता है, सो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। नमनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द बोन, डिफॉर्मिटी या डिसफंक्शनल हो जाना कि व्यक्ति चल नहीं पा रहे हैं, एंड देयर कुड बी सॉफ्टनिंग। ओके, इसके अलावा देयर कुड बी पेन, पेन एसोसिएटेड विथ प्रेशर और पेन एसोसिएटेड विद द वीकनेस ऑफ द बोन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि सीरम लेवल्स में क्या क्या हमें ज़्यादा दिखता है। सीरम कैल्शियम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा इन केसेस ऑफ ऑस्टियोमलेशिया, क्यों, पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्टिवेशन की वजह से। सीरम जो विटामिन डी है वो बहुत कम मिलेगा हमें, ठीक है, सीरम फॉस्फेट जो है वो बहुत कम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सारा फॉस्फेट जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट जो है
वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेट ऑस्टियोब्लास्ट रखे रहते थे कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। जब कैल्शियम या फॉस्फेट अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोन के डिजनरेशन की वजह से ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है वो कहाँ पे पोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड में। इसलिए ब्लड का अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल जो है वो क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यूरिनरी की बात करें तो यूरिनरी फॉस्फेट लेवल जो है वो क्या आएगा, ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ ब्लड एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस है जो आप करेंगे तो आपको ऑस्टियोमलेशिया के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा एक्सरे करा के देख सकते हैं। एक्सरे में किसी जगह पे बोन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है, गैप जैसा दिखता है, लगता है कि फ्रैक्चर है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि एक्सरेज में वो बिल्कुल डल नज़र आता है, गैप जैसा नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्रैक आ गया है। इसीलिए एक्सरेज में ऑस्टियोमलेशिया के एक्सरेज को, एक्सरेज में जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं स्यूडो फ्रैक्चर। ठीक है, स्यूडो फ्रैक्चर इज एन फॉल्स प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्चर दैट इज सीन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव व्हाट यू से द रीअब्सॉर्प्शन और एक्सेसिव लैक ऑफ विटामिन डी या कैल्शियम विच लीड्स टू अल्ट्रा थिनिंग ऑफ द बोन विच सीम्स टू बी लाइक अ गैप। तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्यूडो फ्रैक्चर। ओके, यही चीज़ आप MRI CT स्कैंस करके भी पता कर सकते हैं। सो रेडियोग्राफिक इमेजिंग और ब्लड एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस से ऑस्टियोमलेशिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है। अगर फ्रैक्चर हो गया है या कोई डिफॉर्मिटी आ गई है तो उस हिसाब से सर्जिकल मैनेजमेंट्स किया जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट्स किए जा सकते हैं जिसमें फोकस सिम्टोमेटिक ही रहता है। आपने यहाँ पे देखा कि ऑलरेडी विटामिन डी की कमी है तो सप्लीमेंट के तौर पे हम विटामिन डी दे सकते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे हम कैल्शियम दे सकते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे हम फॉस्फेट दे सकते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो देकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिशंस को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर किसी तरीके का फ्रैक्चर हो गया है या कोई डिफॉर्मिटी आ गई है तो उस कंडीशन के हिसाब से सर्जिकल मैनेजमेंट्स किए जा सकते हैं। ओके, सो यही था मैनेजमेंट ऑस्टियोमलेशिया का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑस्टियोमलेशिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।